इस वीडियो में हम सीखेंगे माह को वर्ष में बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है 96 माह, तो लिख लेते हैं 96 माह। अब चूंकि हमें माह को वर्ष में बदलना है, माह को हमें वर्ष में बदलना है, तो सबसे पहले चीज माह और वर्ष के बीच संबंध पता होना चाहिए कि वह कैसे एक दूसरे से संबंधित है। और वह संबंध है, चूंकि याद रखिए 12 माह का होता है एक वर्ष, यह हमें याद रखना होगा। 12 महीना बराबर एक वर्ष, इसलिए एक माह कितने के बराबर होगा यह भी देख लेते हैं। एक माह हो जाएगा इस एक वर्ष का 12वां भाग, अर्थात 1/12 वर्ष के, यह हमें मालूम हो गया। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न पर। अतः हमारे पास प्रश्न है 96 माह, तो लिख लेते हैं 96 गुणा, माह की जगह हम लिखेंगे 1/12 वर्ष, गुणा कर लिए हमने, गुणा कीजिए अब 96 एकम 96/12 वर्ष, भाग दीजिए 12 एकम और 12 अट्ठे, तो यह हो गया 8 वर्ष। 96 माह बराबर 8 वर्ष। तो जहां भी हमें माह को वर्ष में बदलना होगा, याद रखिए इस संबंध को कि 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो एक माह हो जाएगा इस एक वर्ष का 12वां भाग, अर्थात 1/12 वर्ष के। और अगर यह हमें याद है तो हम आसानी से माह को वर्ष में बदल सकते हैं।